चुनाव से पहले एनडीटीवी का पब्लिक एजेंडा जारी है। सतना में एनडीटीवी की टीम ने अलग अलग लोगों से बातचीत की और ये जाना कि सरकार से क्या चाहती है, सतना की जनता क्या है, उनके भावी विधायक से उम्मीदें क्या, उनके मुद्दे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, नतीजों का दिन पास आते जा रहे हैं। तमाम प्रकार की घोषणाएं, तमाम प्रकार के वादे सभी राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे हैं। आइए हम उन जनता के उन लोगों से जानते हैं जो वास्तविकता में वो जो घोषणाएं होती हैं, जो वादे होते हैं, जनता की क्या अपेक्षाएं हैं। हम सतना में इस पब्लिक एजेंडा कार्यक्रम के तहत आए हैं और आम जनता का रुख जानना चाहते हैं कि आम जनता क्या चाहती है। यहाँ कुछ व्यवसायी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर सतना में पब्लिक का एजेंडा क्या है। हमारे साथ है मनोहर डिगवानी जी। मनोहर जी, क्या है पब्लिक एजेंडा सतना में? एक्चुअली मुझे लगता है कि सतना में जो विकास कार्य हो रहे हैं वर्क क्वालिटी के नाम पे जीरो होता है। विजन नहीं है कि हमें क्या विजन के हिसाब से काम करना चाहिए, इसकी बहुत कमी है। और मुझे लग रहा है कि एक मास्टर प्लान बनना चाहिए, उसके तहत हमें ऐसे काम करने चाहिए जो जनता के हित में हो। और जहाँ तक व्यापार की बात है, चूँकि मैं स्वयं व्यवसायी हूँ, व्यापार में GST 2017 से शायद लागू हुआ है और आज भी मैं कहूँगा कि पत्नी के बाद न समझने वाली जो चीज़ है वो GST है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। जो हमारे अकाउंटेंट हैं, CA हैं, उनको भी कई बार पता नहीं होता है कि कितने सारे नियम बन रहे हैं और उसकी क्या उपाय हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी अन्य पार्टी हो, ये रेवड़ियों की तरह जो ये योजनाएं बांट रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम लोगों के टैक्स से ही उनको दिया जा रहा है। तो हमें ऐसे स्वास्थ्य के संबंध में, शिक्षा के संबंध में काम करने चाहिए जो जनता के हित में होना चाहिए। फ्रीबीज के समक्ष में इनका स्पष्ट कहना कि फ्रीबीज के ऊपर हमने काफ़ी लोगों से बात की, फ्रीबीज के ऊपर लोगों का बहुत अच्छा ऐसा रवैया है कि लोगों को रोजगार उन्मुखी बनाना चाहिए लेकिन फ्रीबीज ना बांटने चाहिए। हमारे साथ एक व्यवसायी हैं, मनोज अरोरा जी। मनोज जी, क्या है प्राथमिकताएं जनता की, क्या है जनता का एजेंडा सतना में? भाई साहब, जहाँ पे जनता की बात अगर मैं कर रहा हूँ, सतना शहर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ट्रैफिक की कोई व्यवस्थाएँ ही नहीं हैं। आम जनता परेशान हो चुकी है। मान लीजिए कोई अगर मरीज एम्बुलेंस से जा रहा है तो निश्चित तौर पे वो ट्रैफिक में फंसेगा ही फंसेगा। कोई प्लान नहीं है, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं, जिसके जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। इसलिए मेरा ये कहना है, कोई भी पार्टी आए, यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था अगर व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से अगर कर दे तो कम से कम आम जनता के जीवन में एक बहुत अच्छी चीज़ आ जाएगी। हमारे साथ बड़े व्यवसायी राजेश केडिया हैं। राजेश जी, सतना में पब्लिक का एजेंडा क्या है, जनता की क्या अपेक्षाएं हैं सरकारों से, सतना के विकास के संबंध में आपका क्या एजेंडा है? सबसे पहले तो ये जो फ्री की रेवड़ी है, जो सब पार्टियां कहती हैं कि मैं ये दूंगी, मैं जीत जाऊंगी, तो ये सबको एक सुचारू रूप से कोई व्यवस्थित बनाए तो ही फ्री की रेवड़ी बांटनी चाहिए। नहीं तो उसने कह दिया 500 का सिलेंडर, वो कहते 450 का सिलेंडर, अनाज फ्री का, ये सब बंद होना चाहिए। जिससे इसके देने की बजाय रोज़गार दे तो ज़्यादा अच्छा है, चाहे मनरेगा में दें, चाहे किसी भी चीज़ में दें, जिससे कम से कम वो लोग घर से बाहर निकले और काम करें। और दूसरा, जो शहर में, मैं मनोहर डिगवानी जी से भी सहमत हूँ, उन्होंने जो कहा, जो भी शहर में काम हो रहा है उसको कोई भी मास्टर प्लान नहीं है। जो जहाँ इच्छा हो रही है वहाँ पर काम हो रहा है, जहाँ इच्छा, मतलब कोई भी व्यवस्थित काम नहीं हो रहा। तो मेरा यही कहना है, कोई भी पॉलिटिकल हो, कोई भी हो, कोई भी सरकारी संस्था हो, जो भी कार्य करें वो मास्टर प्लान के तहत करें, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को, जनता को किसी भी चीज़ की दिक्कतों से का सामना ना करना पड़े और ट्रैफिक में खासकर विशेष ध्यान दिया जाए, मेरी यही सबसे। हमारे साथ डेयरी व्यवसायी उद्योग से जो है जुड़े हुए संजीव भल्ला जी हैं। संजीव जी, सतना में पब्लिक का क्या एजेंडा दिखता है आपको, कि सतना में जनता की क्या अपेक्षाएँ हैं? देखिए, सतना में जनता का जो मेन उद्देश्य है, चाहे कोई सरकार आए, कोई कर्मचारी रहे, जिस चीज़ का जो नियम बनाया गया है या जिस चीज़ के लिए जो नियम फॉलो होना चाहिए वो प्रॉपर रूप से फॉलो होना चाहिए। चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा की फील्ड में हैं तो अगर सरकार शिक्षा के लिए सोच रही है तो उसका प्रॉपर वे होना चाहिए। मेडिकल है, उसके लिए जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जनता को वो प्रॉपर वे में मिलनी चाहिए। कोई तो उसको दूर करे,
किसी भी चीज़ के लिए, आज ट्रैफिक है, कोई तो नियम बनाए किसी चीज़ के लिए। आज जितने भी लोग चल रहे हैं, कितनों के पास लाइसेंस हैं, किसको ट्रैफिक के रूल्स पता हैं, कुछ नहीं मालूम है किसी को, पर फिर भी दुनिया चल रही है। पर सतना स्मार्ट सिटी घोषित है, इस बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, सतना में हम बड़े बड़े पैदा हुए, पर आज तक यही ख्वाब देखते रहे कि शायद हम भी कभी इस जीवन में जीते जी अपना यह सपना देख पाएँ कि हमारा सपना भी बहुत सुंदर हो जाए। सुंदर बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो विज़न होना चाहिए कि आज चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी फील्ड में डेवलपमेंट कर रही है, चाहे वो डेकोरेशन में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, पर उनके पास एक विज़न होना चाहिए कि हमारा प्लेटफॉर्म कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ एंड होगा, उसके लिए कौन लोग आएंगे सक्सेसफुल लोग जो उसको सक्सेसफुल बनाएंगे। पर इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सिर्फ बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है, उसके बाद कुछ नहीं होता। स्पोर्ट क्लब बनाने की सोच ली जाती है, बिल्डिंग बन जाती है, पर कोई इंस्ट्रक्टर नहीं होता जो उसको मोटिवेट कर सके बच्चों को। आज सतना का कोई बच्चा फील्ड में आगे नहीं जा पा रहा है, इसका कारण यही है, जो बच्चे करना भी चाहते हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। अनप्लान्ड जो डेवलपमेंट है, इनका कहना ये है कि अनप्लान्ड डेवलपमेंट है, चाहे वो हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ट्रैफिक की बात हो, तो कहीं ना कहीं एक सिस्टमाइजेशन और प्रॉपर लेआउट, प्रॉपर मास्टर प्लान की आवश्यकता है। हमारे साथ एक शहर के युवा व्यवसायी विक्रम सिंह जी भी मौजूद हैं। विक्रम जी, सतना में पब्लिक का क्या एजेंडा है और क्या समझते हैं आपकी क्या होना चाहिए? सतना में सबसे बड़ा एजेंडा है विकास, जो बहुत समय से स्मार्ट सिटी के नाम पे चल तो रहा है लेकिन धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों अरबों की तमाम सारी योजनाएं आ रही हैं, पार्क के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। कुछ विकास को एक बार बनाया जाता है, फिर उसको तोड़ के फिर दोबारा बनाया जाता है, बस यही काम चल रहा है निरंतर 10 सालों से। तो हम देखते हैं कि जो हमारे अगल बगल के शहर हैं, जैसे रीवा है, कटनी है, छतरपुर है, उसको देखते हुए उसके कंपैरिजन में हमारा सतना बहुत पिछड़ा है। इसको और विकास की ज़रूरत है और इसको जल्दी गति देने की ज़रूरत है। सरकार है कि सब करने के लिए तैयार है, पैसा देने के लिए तैयार है, फंड देने के लिए तैयार है, लेकिन विकास कार्य नहीं हो रहा है, धरातल में नहीं हो रहा। पैसा आ रहा है, खर्च हो रहा है, लेकिन धरातल में नहीं जा रहा। ये पैसा जनता का है, व्यवसायियों का है, इस पैसे का दुरुपयोग बंद होना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए और विकास। भास्कर जी, यहाँ पर क्या पब्लिक का एजेंडा क्या मानते हैं, सतना की पब्लिक का क्या एजेंडा है? एजेंडा विकास के सिलसिले में अगर अपन बात कर रहे हो तो हम स्मार्ट सिटी सतना में रह रहे हैं, कहने के लिए स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट कुछ दिखता नहीं है। यहाँ आज भी हम ट्रैफिक की समस्याओं से जूझ रहे हैं, बेसिकली रोड और नाली की समस्याएं हैं। ठीक है, काम चल रहे हैं, लेकिन आज वस्तुतः हमारे हाथ तो ऐसा कुछ है नहीं कि सब बैलेंस्ड हो। बुरे हाल ट्रैफिक के भी हैं, बुरे हाल अन्य व्यवस्थाओं के भी हैं, और हमको तो ये स्थिति है मेडिकल की अगर हम बात करें तो मेडिकल में आज भी जरा सी कोई दिक्कत पड़ जाए तो हम जबलपुर, नागपुर या रीवा का चेहरा देखते हैं। मेडिकल सुविधाएं भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी नहीं है। शिक्षा की बात करें तो 90% बच्चे हमारे बाहर जाके राजस्थान, कोटा और इंदौर में पढ़ रहे हैं। तो ये सभी जगहों पर आवश्यकता है कि सुधार हो इसका। व्यवसाय के रूप में और क्या आप चीज़ चाहते हैं? व्यवसाय के रूप में मुझे महसूस होता है कि व्यवसायियों के साथ सुरक्षा का अभाव है, उन्हें सुरक्षित महसूस कराना चाहिए। उनके साथ कोई घटनाएं, दुर्घटनाएं हों तो मुस्तैदी से प्रशासन उनके साथ खड़ा हो, उनकी मदद करे। बहुत सारी घटनाएं आपको भी विदित होंगी कि हो जाती हैं और व्यापारी परेशान होता रहता है कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, हेल्पलेस फील करता है। NDTV के पब्लिक के एजेंडा कार्यक्रम में अभी हम आए हुए हैं राजेश शुक्ला जी से मिलने के लिए। राजेश शुक्ला जी यहाँ के मध्यांचल ग्रामीण बैंक में रीजनल मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। राजेश जी, सतना जिले में आप काफ़ी लंबे समय से रहे हैं, पूरा कार्यकाल रहा है, तो क्या प्राथमिकताएं या क्या एजेंडा होना चाहिए सरकारों का जो आने वाली समय में गठन होने वाली है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सतना शहर की जो मूलभूत संरचना है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। सबसे पहले अगर लें तो ट्रैफिक बहुत बुरी हालत में है, आए दिन जाम लगता है और लोगों के आवागमन में सबसे ज़्यादा असुविधा हो रही है। दूसरी चीज़ आती है शिक्षा के क्षेत्र में, शासन ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। आज भी यहाँ बहुत सालों पुराने कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज है, जिसमें शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है। और अगली बात करें तो खेल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। सतना में कोई भी ऐसा एक भी व्यवस्थित स्टेडियम या खेल परिसर नहीं है
जहाँ पर बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा सकें, खेल सकें, आगे बढ़ सकें। मैं क्रिकेट संघ का अध्यक्ष भी हूँ, MPCA का लाइफ मेंबर भी हूँ। मैं देखता हूँ छोटे छोटे शहरों में आज क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल है और बहुत सारा रोजगार उसमें समाहित है, मगर सतना से अच्छे खिलाड़ी केवल इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई खेल का अच्छा मैदान है नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राजेश जी क्या कहना है आपका? ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। कोई भी कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति अपना पूरा जीवन समर्पित करता है किसी विभाग में, और जब वो रिटायर होता है और उसे पेंशन नहीं मिलती है तो उसका जो दैनिक खर्चा है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सरकार ने कुछ बीमा कंपनियों को समाहित किया है इसमें कि वो पेंशन मिले, मगर उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है। आज की महंगाई के दौर पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके कोई पेंशन लेना मुश्किल काम है। NDTV के पब्लिक के एजेंडा प्रोग्राम में हम सतना के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के बीच बैठे हैं। हमारे साथ हैं विश्वतारा दूसरे जी। विश्वतारा जी लंबे समय से सतना जिले नहीं पूरे विंध्य की पत्रकारिता कर रहे हैं। आइए विस्तारा जी जानते हैं कि विस्तारा जी सतना जिले में जनता के एजेंडा क्या है, ये जानना हम चाहते थे आपसे। जी, जनता के एजेंडे में देखिए डेवलपमेंट तो है ही है, खास करके और राजनीतिक चुनावों में देखते हैं हम राजनीतिक दलों को कि प्रलोभन की राजनीति का दौर है, और प्रलोभन की राजनीति के दौर में चाहे जो दल हों वो एजेंडा अपना स्वयं सेट करते हैं और प्रलोभित करने के लिए वोट को। जबकि बुनियादी बात तो यह है कि देखिए डेवलपमेंट है। हम सतना के संदर्भ में बात करें तो सतना स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी है, यहाँ खनिज संपदा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर बुनियादी तौर पर जो विकास होना चाहिए वो बुनियादी विकास नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैकल्टी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। जैसे हम देखें कि उदाहरण के लिए यहाँ पन्ना के पास देखें तो हीरे की खदानें हैं, कोल माइंस हैं हमारे सराउंडिंग में, तो लेकिन उनके लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ। उदाहरण के लिए जैसे बताएं कि उम्दा किस्म का, देश में सबसे उम्दा किस्म का हीरा निकलता है पन्ना से, लेकिन उसको तराशने का काम कहाँ हो रहा है? वो सूरत में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, यहाँ नहीं है। तो इनके लिए जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियाँ नहीं डालते हैं तब तक ये बुनियादी बातें हैं जो पब्लिक के एजेंट का वाकई एजेंडा है, ताकि इससे आर्थिक समृद्धता बढ़े। संपदा है पर समृद्धि नहीं है, ये मूल बात है। तो लेकिन हो क्या रहा है कि हम देख रहे हैं अभी के चुनाव में भी देखा, इसके पहले के भी चुनाव में देखा कि एक ट्रेंड सा चला है, एक स्टडी चली है, और वो ये कि प्रलोभन की राजनीति। तो बुनियादी मुद्दे जो पब्लिक का एजेंडा है वो बहुत पीछे रह जाते हैं। जी, सतना में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सतना विकास के मामले में कहीं ना कहीं विंध्य जो है हमेशा से बड़ा उपेक्षित रहा है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस मामले में कहीं ना कहीं हमें एक तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, और हम देखते हैं कि जिस जो यहाँ की पात्रता है, जो उपलब्धता है, जिस तरीके से यहाँ प्रकृति मेहरबान है खास करके, वैसा सोचा नहीं गया है। जैसे हम कहते हैं कि अभी हमारे यहाँ रिसेंटली ललितपुर सिगरौली रेल लाइन आ रही है, कॉरिडोर हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हुए हैं, हो रहे हैं वो, तो यहाँ एक जैसे हम ड्राई पोर्ट डालें तो जितना यहाँ का उत्पाद है, बहुत बड़ी यहाँ फसलों की मंडियाँ हैं, सब्जी की मंडियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ों की, यहाँ गेहूँ है, चना है यहाँ का, तो वो विदेशों में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो मामला आता है, तो एक ड्राई पोर्ट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत पांडे जी भी हैं। चंद्रकांत जी भी काफ़ी लंबे समय से विंध्य की पत्रकारिता कर रहे हैं। चंद्रकांत जी, पब्लिक का एजेंडा क्या समझ में आता है आपको? सतना की पब्लिक का क्या एजेंडा है? देखिए, मेन और सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा तो ये है कि डेवलपमेंट, जो भी राजनीतिक दल हैं सिर्फ बातें डेवलपमेंट की होती हैं, प्रयास भी किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जिस हिसाब से एग्जीक्यूट होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी कमियां रह जाती हैं। और रही बात की विकास की या इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं पार्टियां लोगों को भ्रमित करते हुए विकास के नाम पर थोड़ा पीछे रह जाती हैं। सवाल यह है कि जैसे अपना विंध्य रीजन है,
यहाँ पे वाकई में प्रकृति मेहरबान है, यहाँ पे कई ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम बहुत बड़ी छोटी मझोली और बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कभी भी ऐसा कोई खास प्रयास नहीं किया गया। इस कारण से यहाँ इस क्षेत्र में पिछड़ापन, बेरोजगारी जैसे ये मुद्दे हमेशा जीवंत रहे हैं। NDTV के पब्लिक एजेंडा कार्यक्रम में हम यहाँ पर आए हैं सतना में एक यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर सिमरन और उनके हस्बैंड मयूर के साथ में। सिमरन, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं सतना में, काफ़ी अच्छे स्तर पर काम हो रहा है, क्या आपको क्या ऐसा लगता है कि क्या एजेंडा होना चाहिए पब्लिक का, जनता के प्रति क्या जवाबदेही होनी चाहिए, सरकारों से क्या आशाएं हैं? मेरी बस एक ही आशा है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स और जो बढ़ावा हमको दिया जा रहा है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाए हमको, क्योंकि हम कहीं पे भी अप्रोच कर दें तो हमें बोला जाता है कि आप नेट पे पढ़ लीजिए या आप किसी और आगे जाके दिल्ली जाके किसी से मिल लीजिए या फिर भोपाल जाके किसी से मिल लीजिए, तो हमारे लिए बिजनेस छोड़ के ये काम करना बहुत मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि हमें सतना के सतना में अगर जानकारी और फोरम्स खड़े हो जाएंगे तो हम आराम से काम कर सकते हैं और अपना काम आगे बढ़ाने में बहुत ईजी होगा हमको। सतना में और क्या ऐसा एजेंडा है जिसको आप चाहती हैं ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर की सतना में, ऐसा और क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या हो जाना चाहिए एजेंडा अपना? और एजेंडा और यही होना चाहिए कि आपस में कम्युनिटी मिल के एक अच्छे से बढ़ावा दे महिलाओं को काम करने के लिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि महिलाएं घर में बैठ के काम करें, घर का काम तो हर कोई कर सकता है, पर ये कि महिलाएं बाहर आके काम करेंगी तो सोसाइटी का बहुत बेटरमेंट होगा। हमारे साथ मयूर भी हैं। मयूर, आप बताया आप एक अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं, तो क्या अपेक्षाएं हैं पब्लिक का, आपका क्या एजेंडा है, सरकारों से क्या आशाएं हैं? बस यही कि सबको चीज़ें क्लियर पहले हों, लोगों को क्लियर ही नहीं है कि क्या सरकार दे रही है और किस से अपन वो चीज़ें अपने में यूज़ कर सकते हैं, हम लोग को वही क्लियर नहीं है। सो यही लोगों को क्लियर हो कि सरकार तक कुछ दे रही है लेकिन अभी तक पहुंच नहीं पा रहा है लोगों को, तो बस वो पहुंचे, वो किस वे से पहुंच सकता है वो अपने को बस देखना चाहिए। इनका कहना यह है कि सरकार योजनाएं तो तमाम तरह की बनाती हैं जो कागजों में देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, युवा उद्यमियों की बात होती है, लेकिन उन योजनाओं की जो सही जानकारी होती है, उनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी जो होता है, इम्प्लीमेंटेशन मॉड्यूल जो होता है, वो सही तक छोटे शहरों में, सतना एक छोटा सा कस्बा है, तो वहाँ तक पहुँच पाना इनकी दृष्टिकोण से वो अति महत्वपूर्ण है। हमारे साथ NDTV के पब्लिक एजेंडा कार्यक्रम में अमृता अरोरा जी हैं, यंग एंटरप्रेन्योर हैं जो कंप्यूटर व्यवसाय से लगभग 20 सालों से काम कर रही हैं। अमृता जी, पब्लिक एजेंडा प्रोग्राम में जानना चाहेंगे कि ऐसे फीमेल एंटरप्रेन्योर क्या आपको लगता है सतना में क्या एजेंडा होना चाहिए? देखिए, सतना को तो मैं पिछले 15-20 सालों से बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रही हूँ, काफ़ी चीज़ें इसमें सुधार हुई हैं, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि चीज़ें नहीं बदली है, पर जिस पेस से बाकी जगह बदली जा रही है, बदलाव आ रहे हैं, वैसे नहीं बदला है। जैसे मान लीजिए मेडिकल है, मेडिकल बाकी जगह इतनी अच्छी सुविधा है, क्यों हम अपने मरीज को लेके यहाँ से तुरंत भागते हैं? हमारे पास सुविधा नहीं है, हम खर्च करने की हमारे पास क्षमता है, लोग खर्च करना भी चाहते हैं, ज़रूरत भी है, पर नहीं है सुविधा, इसलिए बाहर जाते हैं। आपका जो शहर का पैसा है जो यहाँ लगना चाहिए वो बाहर जाता है। भाई, आप अगर यहाँ पर हमें सुविधा उपलब्ध कराएं तो क्यों कोई अपना मरीज लेके बाहर जाए? पहली चीज़ बेसिक जो होती है, साफ़ सफाई, ट्रैफिक, ये सब चीज़ें जो बदलनी चाहिए, बदलना मतलब इन द राइट सेंस, बदलना मतलब कि चीज़ें सुधरे, ऐसा नहीं कि चीज़ें बदल रही हैं, भीड़ बढ़ रही है, ये नहीं, तो भीड़ बढ़ रही है उस हिसाब से ट्रैफिक कानून ये सब बदलना चाहिए कि चीज़ें ऑर्गेनाइज हों, पीपल यहाँ जो यहाँ की जनता है उसको रहना सुख सुविधा वाला लगे, ऐसा नहीं कि बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है, भाई जमीन भाव बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ग्रोथ है कहीं ना कहीं जो गांव से आ रही है, पर यह है कि जो एम्प्लॉई होनी चाहिए, जो यहाँ के लोगों को जिसका फ़ायदा मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल रही है। आज हमने 15-18 सालों में ऑब्जर्व किया, मेडिकल में हम वहीं हैं जहाँ हम 15-20 साल पहले थे। अमृता जी का कहना ही है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, डेवलपमेंट की तमाम बातें जरूर की जाती हैं लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस का स्कोप है, खास तौर पे हेल्थ और ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब तक ये हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक किसी भी स्मार्ट सिटी की परिकल्पना करना जो है बेमानी होगा। NDTV के पब्लिक एजेंडा प्रोग्राम में हमारे साथ हैं सतना के युवा अधिवक्ता और साइबर एक्सपर्ट मोहम्मद एहतसाम आमिर। आइए एहतसाम जी से जानते हैं, आमिर क्या है सतना में पब्लिक का एजेंडा? दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे अहम है कि
एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी चरम पर है, उसको दूर करने के बजाय ऐसा लगता है कि जो भी सरकारें आ रही हैं और जिस तरीके के वादे हो रहे हैं, हर चीज़ फ्री में प्रोवाइड करने की बात की जाती है, तो उससे लोग नाकारा ही होंगे। उनके जहन में ये बात बैठ जाएगी जब कि हमको तो हर चीज़ सरकार फ्री में दे रही है। जब पूरी तरीके से ये बात बैठ जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो ऑब्वियसली काफ़ी तेज़ी से बढ़ने की चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन इस मामले में देना चाहूँगा कि फ्री चीज़ें प्रोवाइड करने के बजाय उसमें लोगों की थोड़ी बहुत भी भागीदारी, थोड़ी बहुत भी हिस्सेदारी, उनकी जेब का जब दो पैसा भी किसी चीज़ में लगता है तो उसकी अहमियत उसको मालूम होती है। जब अहमियत मालूम होती है तो उससे एक दर्द होता है, एक उनसियत होता है उस चीज़ को लेकर के। और चूंकि देश का नौजवान जिस तरीके से आज बेरोज़गारी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको किस तरीके से रोका जाए, उसके लिए मैं आने वाली चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, उससे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एम्प्लॉयमेंट की तरफ, कि अनएम्प्लॉयमेंट जो तेज़ी से बढ़ रहा है उस पर रोकथाम लगाने का भरसक प्रयास किया जाए। इम्पॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट जो स्कीम्स लाती है, चूँकि किसी भी काम को शुरू करने के लिए उसके हाथ में कुछ पैसे होने चाहिए तभी वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। लोग लोन लेने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स तो लेके आती है, लोन की उद्योग विभाग के ज़रिए लोन्स प्रोवाइड करने की बात करती है, लेकिन नौजवान जिसके हाथ बिल्कुल हैंड टू माउथ है, बहुत गरीबी है, वो जब जाता है वहाँ पर तो उसको पहले तो ये कह दिया जाता है कि अभी आई नहीं है स्कीम। जब स्कीम आती है तो उसको ये टाल दिया जाता है कि तुम कहाँ थे, आई थी चली गई, बैंक से जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो वहाँ से उनको जब तक सोर्सेज ना हो, प्रॉपर सोर्स अच्छा खासा जैक ना हो, तो वहाँ से बैंक मैनेजर्स जो है उसको टाल देते हैं। और इस तरीके से जो पैसा गवर्नमेंट का आता है वो पूरा पूरा पैसा लैप्स होकर के वापस चला जाता है। सतना डेवलपमेंट के एजेंडा में ऐसे क्या चीज़ें, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो सतना में आप समझते हैं कि सतना में जनता के, आम जन के क्या और मुद्दे हैं? देखिए, आम जन के मुद्दों में एक तो बिल्कुल जहन बना हुआ है कि डेवलपमेंट अगर हो सकता है तो रोड से हो सकता है, नाली से हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से हो सकता है। ये चीज़ें मेरी नज़र में सेकेंडरी हैं। सबसे अहम चीज़ है कि लोगों के जहन को कैसे खोला जाए। खोलने के लिए एजुकेशन का प्रॉपर होना, अनएम्प्लॉयमेंट का दूर होना, ये बहुत अहमियत रखती हैं ये चीज़ें। जब ये चीज़ें आपके पास से ख़त्म हो जाएंगी तो लोग, जब जहन खुलेगा, जहन बढ़ेगा, तो अपने आप विकास तेज़ी से दिखने लगेगा, लोग अपनी जिम्मेदारी को समझने लगेंगे। सपना में हमने पब्लिक एजेंडा प्रोग्राम में इनसे वकीलों से बात करी, यंग बिजनेसमैन से बात की, फीमेल एंटरप्रेन्योर से बात करी, रिटायर्ड सज्जनों से बात करी, तो तमाम अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन जो बेसिकली जो चुनाव में जो वादे किए जाते हैं, जो सरकारें जो दिलासे दिलाती हैं, जो उनके एजेंडा हैं, उन एजेंडा में और जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं जमीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। सतना से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए।